नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के चार्ट पे जो यहाँ से एक टॉप बना था वहां पे हमने एक क्या है कि फिबोनाची नीचे के लेवल तक ड्रॉ कर लिया। और अगर इसका लेवल अगर देखते हो वापस, यानी कि मार्केट उस लेवल को टच करने के लिए गया, तो वो था करीबन 66,597 का लेवल। तो और ऊपर अगर देखते हो तो लेवल पे रेजिस्टेंस है 66,700 का। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, पॉजिटिव 0.786 के आसपास मार्केट यहाँ पहुंच गया है। और ये लेवल है करीबन 65,871। तो आज शानदार हमने भी यानी कि इसके अंदर ट्रेड कराई थी। क्लियरली कहा था कि 1900 के पास में निफ्टी को खरीदेंगे, वहां से अगर किसी ने खरीदा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहे। साथ में 1900 की कॉल भी यानी कि हमने 20 से 25 की रेंज में खरीदवाई थी और उसने 30 और 60 का हाई लगाया। और एक पुट की जो रिजेक्शन पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया था, वो पूरा का पूरा डिस्कशन हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्यों यानी कि ये वाली ट्रेड दी, 19,850 की पुट दी थी 10 से 15 के बीच में और उसका 110 के आसपास हाई था, तो करीबन 10 गुना बनी। लेकिन आपने 10% भी अगर वहां से निकाला और प्रॉफिटेबल रहे, ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबल रहे, तो डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेडर की श्रेणी में आने लग गए हो। और अगर वहां पे भी अगर आपने लॉस किया तो फिर एक मतलब नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी में कल किस तरह से हम एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि आज अगर आप इसका देखते हो तो 0.786 का लेवल था करीबन 65,800। यहां से इसने कई देर यहाँ पे रुका, इसके इस लेवल के ऊपर आसपास यहाँ पे इसने टाइम पास किया और एक 5 मिनट की कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। और फिर ये कंटिन्यूअसली इसको सस्टेन करते हुए एक ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन किया, जो कि था 66,325 का लेवल। इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्ट हुआ और रिजेक्शन कैंडल के लिए जैसे भी यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिजेक्शन कैंडल थी पिन बार जो ऊपर की साइड में कैंडल आती है और उसके बाद में जस्ट एक फॉलो थ्रू कैंडल जो होती है वहां से यानी कि उसने एक ब्रेकडाउन दिया और इसी का ऐसा लगा कि आप पुट की पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, तो बनाने को तो जैसे ये यहाँ पे भी ट्रैप किया, लेकिन अब यही है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नीचे की साइड में हैमर पिन बार अगर नीचे की साइड आती है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की साइड भागता है, और ऊपर के लेवल पे पिन बार आती है तो वहां से एक शानदार गिरावट देता है। तो अगर इसका प्राइस एक्शन देखते हो तो ये क्या है कि पुल बैक दे दिया और अब फर्दर एक इसकी साइड में नीचे की साइड जा सकता है। तो 65,800 के नीचे की साइड में हम एक पुट की पोजीशन प्लान कर सकते हैं। नीचे में ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते हो तो 65,850 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया, और अगर इसके नीचे अगर मार्केट तोड़ता है तो डेफिनेटली हम एक पुट की पोजीशन में कहाँ तक बैठ सकते हैं, 65,700 और करीबन 65,500 तक के लिए एक पुट की पोजीशन, इस पॉइंट तक एक पुट की पोजीशन देखी जा सकती है अगर ये वाला लेवल तोड़ता है। तो 0.786 का लेवल टूटेगा तो मार्केट किधर की साइड मूव करने लग जाएगा, 0.618 की तरफ। तो यहां से एक्चुअल में क्या है कि दोस्तों, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस अगर आपको मिल गया तो वहां से क्या है मार्केट में सेलर हावी हो जाते हैं और मार्केट आपका नीचे की साइड आना शुरू हो जाता है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर इस लेवल को तोड़ता है, 66,800 का लेवल को ब्रेक करेगा, तो नीचे की साइड में 66,550 तक के लिए एक पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन स्पेशली ट्रेल करते चलें क्योंकि ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। तो या तो देखो, ये अभी जैसे अगर आप सिचुएशन देखो तो ये पॉइंट था जहां से मार्केट ने डाउनफॉल दिया, अगेन मार्केट आपके इस पॉइंट पे ये इसी सेम पॉइंट पे आ गया और यहाँ से एक रिजेक्शन दे रहा है। तो अब मे बी एक हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ फिर एक ऊपर निकलेगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है। और यहाँ तक अगर मार्केट एक बार आता है तो यहाँ पे फिर एक आपको फिर फर्दर आपको बाय की साइड में मौका मिलेगा। तो अभी नीचे की साइड का प्लान है थोड़ा सा, और अगर गैप अप खुलता है तो इस पॉइंट के ऊपर ही बाय की पोजीशन रहेगी। नियरली इस पॉइंट मतलब 66,300 के आसपास अगर मिलता है तो 66,350 का ऐसा लगा के पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। मार्केट हो सकता है धीरे धीरे एक बार इसको जाके फिर एक शानदार एक एम पैटर्न टाइप बना के
फिर मार्केट नीचे आ सकता है। वनडे के चार्ट में एक बार इसको देख लेते हैं किस तरह का पैटर्न ये शो कर रहा है लाइन चार्ट के थ्रू। तो लाइन चार्ट में कंटिन्यूअसली एक अप मूवमेंट है, एक डाउनफॉल देके फिर एक अप देगा, तो शानदार आपको तेजी दिखाई देगी। तो नीचे में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कहाँ है, 65,250। तो 65,250 तक नीचे एक डिप देके मार्केट में भी फिर यहां से एक अप मूवमेंट दे सकता है। तो गैप अप की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर लेते हैं। गैप अप अगर खुलता है 66,350 के पास में, 66,350 के आसपास खुलेगा तो डेफिनेटली एक सेल की ट्रेड बनती है। नीचे में कहाँ तक, 66,800 तक, 500 पॉइंट की ट्रेड ये है। और अगर फ्लैट खुल के इसी लेवल को ब्रेक करेगा 66,800 को, तो इमिडिएटली पुट की पोजीशन नीचे की साइड में आपके 65,350 की तरफ मार्केट आपका मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेल करते चले, यहाँ पे भी ट्रेल कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पे भी ट्रेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके मेरी प्लेलिस्ट है, वहां पे फ्री के अंदर मैंने कोर्सेज डाल रखे हैं जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, सारे की सारी चीजें मैंने वहां पे डाल रखी है, तो वो जरूर देख सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।